नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 19 जनवरी गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। बिल्डर छोटे सिंह भदौरिया को बचाने पहुंचे कांग्रेस नेता। महाशिवरात्रि से पहले बनेगा चार धाम फोर लेन। मकर संक्रांति के बाद भी उड़ रही चाइना डोर से पतंग ब्रिज उतर रहा युवक घायल। माधवबाग आयुर्वेदिक ने किया हार्ट संबंधित जांच सेवा का शुभारंभ। सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए आज भोपाल में प्रेजेंटेशन। इंदौर से स्मैक बेचने आया युवक गिरफ्तार। 25 केंद्र पर मुफ्त लगेगा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज। इस बुलेटिन की प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कृष्ण ज्योति स्कूल के पास सरकारी जमीन पर मंदिर बनाने का मामला तुल पकड़ रहा है। गुरुवार को बिल्डर छोटे सिंह भदौरिया का समर्थन करने कांग्रेस के पूर्व पार्षद देवव्रत यादव मोहल्ले वालों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी कार्यालय में इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा और बिल्डर छोटे सिंह भदौरिया पर दर्ज कराए SC ST एक्ट के प्रकरण में जांच की मांग की। वार्ड 53 के पार्षद निर्मला परमार के पति करण परमार के साथ मंगलवार रात मारापीटी हुई थी। यह विवाद कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के सामने सरकारी जमीन को घेर कर बनाए जा रहे हनुमान मंदिर को लेकर शुरू हुआ था। चबूतरे पर बने मंदिर के आसपास की जमीन को जालियां लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा था और नगर निगम की टीम इसे हटाने पहुंची थी। टीम के साथ गए पार्षद निर्मला परमार के पति करण परमार के साथ बिल्डर छोटे सिंह भदौरिया ने मारापीटी की तो उन्होंने नागजीरी थाने में प्रकरण दर्ज करा दिया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद बिल्डर का समर्थन करने पूर्व पार्षद देवव्रत यादव पहुंचे। SP ऑफिस में देवव्रत यादव ने बताया, आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को मालन भाषा ज्योति स्कूल के पास में मुख्य मार्ग पर हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर को लेकर छोटे सिंह भदौरिया जी जो वहाँ के रहवासी हैं और मोहल्ला समिति है, उस क्षेत्र के पार्षद निर्मला करण परमार जी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो हमारी मांग ये है कि उस आपत्ति को प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करना चाहिए, न कि इनसे विवाद करना चाहिए। और उन्होंने चूंकि कोई चुनावी रंजिश होगी उसको देखते हुए छोटे सिंह भदौरिया के खिलाफ हरिजन एक्ट उन्होंने FIR करवा दी है। आज हमने पुलिस अधीक्षक साहब से मांग की है कि हरिजन एक्ट लगाने के पूर्व निश्चित ही उसकी जांच होना चाहिए थी और बिना जांच किए हुए उनके खिलाफ एक लगाई है, उसको लेकर हम सारे मोहल्ले के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से मांग की है कि जो ये एक लगाई है उसको तत्काल समाप्त किया। ज्ञापन देने आए सक्षम सिंह भदौरिया ने पार्षद पति पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। भदौरिया का कहना है, त्रिवेणी विहार में भी कार्य करा, उन्होंने JCB वगैरह बुलाई थी मकान तोड़ने के लिए, लोगों को धमकियां दे रहे हैं। वो के वहाँ के हैं पार्षद, उनको करना चाहिए तरक्की तो नहीं कर रहे हैं, जो बनी चीज़ें उसको तोड़वा रहे हैं। नाली साफ करने की पैसों की मांग कर रहे हैं कि नाली साफ करने के लिए 50 रुपये 100 रुपये चाहिए, हमें नहीं दोगे तो मकान तोड़वा देंगे, धमकियां दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर। मेरे हाथ में पावर है, हमको धमकी दी उन्होंने कि आपको अंदर करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा, मतलब एक प्रकार से अपने पावर का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं वो, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। मंदिर आज से नहीं, मंदिर आज से 15-20 साल पुराना मंदिर है, उसका सिर्फ हमने निर्माण कर उसको अनस्थायी रूप से हमने रख रखा उसको वहाँ पे, और उसी कार्य में उन्होंने नगर निगम की टीम भी भेजी एक दो बार और खुद भी कार्य करा, खुद भी आया वहाँ पर और गाली गुप्ता करना, और 12-1 बजे के समय नशे की हालत में हमारी वार्ड की महिलाओं ने उनको पाया उस समय पे। फिलहाल पुलिस अफसरों ने ज्ञापन लेकर रख लिया है, चूंकि मामले में प्रकरण दर्ज हो चुका है इसलिए चालान पेश करते समय ही सही स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। महाशिवरात्रि से पहले त्रिवेणी संग्रहालय से चार धाम तक जाने वाला फोर लेन तैयार किया जाएगा। चार धाम पार्किंग में ही जूता स्टैंड भी बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालु को किसी तरह की दिक्कत ना हो। 18 फरवरी को आ रहे महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान श्री महाकालेश्वर के सुगम दर्शन श्रद्धालुओं को कराने के लिए जिला प्रशासन व श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने त्रिवेणी संग्रहालय की पार्किंग से लेकर चारधाम पार्किंग, नरसिंह घाट क्षेत्र, हरसिद्धि चौराहा, महाकाल लोक का दौरा कर व्यवस्थाओं की तैयारी पर की। महाशिवरात्रि पर दर्शन के लिए 3 लाइन लगाई जाएगी। त्रिवेणी संग्रहालय से चारधाम मंदिर के बीच बन रहे स्मार्ट फोरलेन का कार्य महाशिवरात्रि के पहले हर हाल में करने का कहा गया है। चारधाम पार्किंग एवं नूतन स्कूल के पीछे गोंड बस्ती वाली लाइन से नरसिंह घाट को जोड़ने वाले मार्ग की ओर कनेक्टिविटी के लिए तैयार की जा रही सड़कें को जल्दी बनाने का कहा गया है। कलेक्टर ने चारधाम पार्किंग के पास ही जूता स्टैंड बनाने और त्रिवेणी संग्रहालय के निकट की पार्किंग में जिगजैग बनाने को कहा है। मकर संक्रांति को गुजरे 4 दिन हो गए हैं, लेकिन लोग हैं कि अब भी चाइना डोर से पतंग उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही एक घटनाक्रम में एक मोटरसाइकिल सवार युवक के गाल और होंठ चाइना डोर से कट गए।
आगर नाके का निवासी मयंक पिता गेंदालाल खरे जीरो पॉइंट ब्रिज चढ़कर हीरा मिल की तरफ जा रहा था। पुल के उतार पर अचानक उसकी मोटरसाइकिल के आगे चाइना डोर आ गई। वह जब तक मोटरसाइकिल रोकता यह डोर उसके गले से होते हुए गाल और होठ पर चली आई। रफ्तार में होने से उसे रीगा लगा और उसका गाल और होठ कट गए। देवास गेट पुलिस ने युवक की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। यह हम आपको बता दें कि पिछले साल इसी ब्रिज पर छात्रा की मौत चाइना डोर की चपेट में आने से हो गई थी। पुणे के माधवबाग आयुर्वेदिक संस्था ने सेठी नगर में अपने नए सेंटर का शुभारंभ किया। सेंटर में हार्ट और शुगर रोग से संबंधित जांच और उपचार की सुविधा मुहैया कराई गई है। पंचकर्म के माध्यम से रोग का निदान करने वाली संस्था की सेवा कलेक्टर आशीष सिंह और सांसद अनिल फिरोजिया भी ले चुके हैं। सेठी नगर में सेंटर की ब्रांच का शुभारंभ करने पहुंचे कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि माधवबाग संस्था की नई फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। आइए कलेक्टर आशीष सिंह को सुनते हैं। माधवबाग संस्था की एक नई फैसिलिटी थी, उसका शुभारंभ आज माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी के द्वारा और हमारे ओएसपी साहब की उपस्थिति में किया गया और बड़ा ही अच्छा काम ये संस्था कर रही है माधवबाग। ये मुख्यतः जो हृदय रोग होते हैं उनका आयुर्वेदिक ढंग से उपचार करती है, लेकिन उसके साथ साथ वजन घटाने और फिटनेस के लिए भी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और निश्चित रूप से हम एसपी साहब और सांसद जी सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज इनकी नई फैसिलिटी का शुभारंभ हमारे द्वारा हुआ है। जी हाँ, निश्चित रूप से कि सबसे पहले मैंने किया था, फिर मेरे द्वारा इसको एसपी साहब को पहले और उसके बाद फिर सांसद जी को रिकमेंड किया गया, लेकिन निश्चित रूप से बहुत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है तो क्रेडिट पूरा का पूरा सांसद जी को जाता है कि उन्होंने वजन कम किया और देश और उज्जैन के विकास के लिए फंड की जो बात हो रही है वो भी निश्चित रूप से इसके माध्यम से प्राप्त होगा। संस्था की सुविधा लेकर अपना वजन कई किलो कम कर चुके सांसद अनिल फिरोजिया ने संस्था की तारीफ करते हुए बताया। माधवबाग आयुर्वेदिक संस्था है और इसमें जो है वजन तो कम होता ही है, लेकिन बीपी शुगर और हृदय रोग मुक्त भारत ये इस संस्था का संकल्प भी है। ये पुणे की संस्था है तो वास्तव में उसमें माधवबाग संस्था के द्वारा एक बहुत अच्छा जो प्रयास किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग में, मैं माधवबाग संस्था को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ और इनके माध्यम से ही संतुलित आहार, नियमित योगा और पंचकर्मा और संतुलित आहार से मेरा 38 किलो वजन कम हुआ है, जिसमें माधवबाग संस्था की डॉक्टर प्रियंका जो हैं इन्होंने मुझे बहुत गाइड करा, इसके लिए उनका भी आभार है। कार्यक्रम में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। यहाँ आपको बता दें कि संस्था आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा करती है और इसकी सुविधा का लाभ अब तक हजारों लोग ले चुके हैं। उज्जैन सेंटर का संचालन डॉक्टर प्रियंका शर्मा करती है। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। UPSC, MPPSC, NDA, CDS, SSC बैंकिंग एवं व्यापम, आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री मेंस इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, AC क्लास रूम उत्तम फर्नीचर के साथ, 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, SSB इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी SSC पटवारी बैंकिंग विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। सरकारी मेडिकल कॉलेज अब सपनों से उतरकर हकीकत की जमीन पर उतरने लगा है। उज्जैन इंदौर 4 लेन पर 20 एकड़ जमीन पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए भोपाल में गुरुवार को कंसल्टेंट फर्म प्रेजेंटेशन देगी। इसमें जिसका प्रेजेंटेशन श्रेष्ठ होगा उसे DPR तैयार करने का काम दिया जाएगा। करीब 300 करोड़ की लागत से उज्जैन में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कॉलेज के लिए फंड की मंजूरी जारी कर दी है। कॉलेज के लिए जिला प्रशासन ने इंपीरियल होटल के पास 20 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी है। अब कॉलेज बिल्डिंग की DPR तैयार की जा रही है। इसके लिए दिल्ली की 2 कंपनियों ने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसर इन प्रेजेंटेशन को देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि उज्जैन में निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज करीब 20 सालों से चल रहा है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी उज्जैन में है।
इंदौर से स्मैक बैच ने उज्जैन आए एक युवक को पावासा पुलिस ने मक्सी रोड ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। उससे 10 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। इंदौर के लक्ष्मीपुरा का रहने वाला 22 साल का शुभम पवार उज्जैन में स्मैक बेचने आया था। उसके पास 10 ग्राम स्मैक थी। वो मक्सी रोड ब्रिज के नीचे खड़ा था। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है कि वह स्मैक कहां से लाया था और यहां किसे देने आया था। पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज फ्री लगाया जाएगा। सीएमएचओ कार्यालय ने 25 सेंटर की सूची जारी की है जहां यह डोज लगाए जाएंगे। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने बताया कि जिला की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कोविड टीके का प्रिकॉशन डोज निशुल्क लगाया जा रहा है। यह डोज मात्र एवं शिशु चिकित्सालय चरक भवन, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संजय नगर, सिविल अस्पताल माधव नगर, सेंट मैरी स्कूल, सिविल अस्पताल जीवाजीगंज, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भैरवगढ़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंत पिपलई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिंतामण जवासिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताजपुर, सिविल अस्पताल खाचरोत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावदा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हील, सिविल अस्पताल नागदा, सिविल अस्पताल महितपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झारडा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महितपुर रोड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेड़ा खजूरिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंगोरिया, सिविल अस्पताल बड़नगर, उप स्वास्थ्य केंद्र आमला, रामगढ़ बस्ती बड़नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तराना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माकड़ोन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झाब लाहद्रू में लगाए जा रहे हैं। पात्र लोग इन सेंटरों पर जाकर वैक्सीन का बूस्टर डोज लगा सकते हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।